सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू की न्यू वेब सीरीज पथपेटिका के एपिसोड नंबर 2 की। अब यहाँ पे शरद को दिखाया जाता है, ये जैसे गांव में चिट्ठियाँ बांटने के लिए आता है तो इसे मेहर भी रोक लेती है। मेहर भी जो है इस वेब सीरीज के अंदर कोठा चलाती हुई आपको दिखाई देंगी और बोलती हैं शरद से कि डाकिया बाबू, लगता है कि आप जो है चाचा की जगह पे आप आए हो, तो आपको पता नहीं है इस गांव में एक कोठा भी है जहाँ पे माथा टेकना पड़ता है। उसके बाद शरद बोलता है ठीक है, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे चिट्ठियाँ बांटनी है। उसके बाद जो है मेहर भी इसका झोला उठाती है और अंदर लेके चली जाती है। पीछे पीछे अब शरद जाता है, तभी मेहर भी यहाँ बोलती है कि देख लो हमारी जो दो लड़कियाँ हैं इनका चिट्ठी आया होगा, अगर आया है तो पढ़ के इन्हें सुना दीजिए क्योंकि इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। अब इन दोनों के नाम से जो है रोमिला और विधि के नाम से दो चिट्ठियाँ आई हुई होती हैं, इनके मां ने भेजी हुई होती है। इन दोनों चिट्ठियों को पढ़ के सुनाता है शरद। उसके बाद जो है ये दोनों इमोशनल हो जाती हैं, रोमिला और विधि। उसके बाद दिखाया जाता है शरद जो है अपना झोला उठाता है, उसके बाद जो है चिट्ठियाँ बांटने के लिए चला जाता है। लता की भी चिट्ठी आई हुई होती है तो उसे देने के लिए जाता है, तभी लता बोलती है कि डाकिया बाबू ये जो चिट्ठी है पढ़ के हमें सुना दीजिए, हमें पढ़ना नहीं आता। उसके बाद जो है शरद वो चिट्ठी पढ़ता है और उसके बाद जो है जब जाने लगता है लता शरद को रोकती है और बोलती है कि डाकिया बाबू क्या आप हमारे पति के लिए चिट्ठी लिख दीजिएगा। तभी शरद बोलता है ठीक है हम लिख देंगे। तभी ये पूछता कि कब लिखनी है, कब आ जाऊँ आपके घर। तभी ये बोलती है लता कि कल आप आ जाना, कल मैं फ्री हूँ। उसके बाद अब दिखाया जाता है रात होती है और कोठे पे जो है डांस फिर से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो है दद्दा के आदमी आके जग्गा यहाँ पे बोलता है कि ये जो कोठा है जल्दी से जल्दी खाली कर दो, वरना जो है दद्दा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उसी के सस्पेंस को दिखाते हुए एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अब क्या इनका जो कोठा है वो बच पाता है मेहरवी का, या फिर इनको खाली करना पड़ता है, ये तो आपको एपिसोड 3 में पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।